हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसा है? होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे एक चिड़िया का बच्चा मिला और बहुत मुश्किल से मेरी फ्रेंडशिप हुई है इसके साथ। बहुत मुश्किल से, ये पहले मुझसे बहुत डर रही थी और देखो कितने आराम से सो रही है मेरी गोद में। और ये मेरी वॉइस भी पहचान जा रही है और मेरे पास ही रह रही है। इधर उधर भाग रही थी अभी तक तो, पर अब मेरे साथ ही रह रही है। देखो उड़ भी नहीं रही है, देख रहे हो कितना क्यूट बच्चा है ना। पर ये नहीं पता चल रहा ये कौन सी बर्ड्स है, कौन सी बर्ड है पता ही नहीं चल रहा है इसका। शायद ना इसको चोट लगी हुई है, अभी ये बहुत छोटी है। इसे देख के मुझे कुछ याद आ गया, जब मैं छोटी थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, 9th 10th में पढ़ती थी, तब मैंने भी चिड़िया के 2 बच्चे पाले थे और काफ़ी अच्छे हो गए थे वो। और उड़ते भी नहीं थे बहुत दूर, और घर के अंदर ही उड़ते रहते थे। पर मतलब वो हमारे डॉगी के ऊपर गिर गया और डॉगी ने डर के मारे उन्हें काट लिया, तो इस वजह से उसमें से एक मर गई थी, तो दूसरी पापा ने छोड़ दी, नहीं तो वो होती। तो इसे देख के मुझे उसकी याद आ गई। तो देखो दोस्तों कितने प्यार से सो रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है ये देखो ये। और इसका भी बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज। देख लो कैसे, जब तक ये सही नहीं होगी तो इसका पूरा ध्यान मैं रखने वाली हूँ। पहले तो दादाजी इसे कह रहे थे कि छत पर रख दो, पर छत पे बिल्ली या फिर चील भी उठा सकती है, क्योंकि छोटी बच्ची उड़ नहीं पा रही है ना। तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, और जब जैसे ये सही होगी वैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी। और अगर नहीं जाना चाहेगी मुझे छोड़ के, तो फिर मैं इसे अपने साथ काशीपुर ले जाऊँगी। वैसे तो चली जाएगी जहाँ तक है, पर पूरी देख रेख मैं करने वाली हूँ। तो देखो कितनी क्यूट है। तो चलो, इसे नींद आ रही है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा घर बना देती हूँ, जिससे ये आराम से उसमें सो पाए, और सो पाए है ना, आराम कर ले थोड़ा सा रिलैक्स। और इसने ना अपने पंजों से ना मेरी उंगली को, फिंगर को ना बिल्कुल पकड़ रखा है टाइट करके, और दर्द हो रहा है क्योंकि इसके नाखून तो ऐसे तेज है, तो बहुत दर्द हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब इधर उधर डर रही है ना कि इधर उधर ना जाए करके, तो इसलिए इसने मेरा बिल्कुल उंगली को टाइट से पकड़ रखा है। तो मैं इसके लिए फटाफट से एक छोटा सा घर बनाती हूँ, फिर उसके बाद उसमें से लेटा दूंगी। प्यू कौन है बेटा, कौन है बताओ, बताओ अभी तो तुम बोल लेते। अंशु, अंशु हाँ छोटा भाई। कहाँ जा रहे संदीप हम आज घूमने? तलाई, नाम ही तलाई है उसका। चलो ठीक है, तो रास्ता हमारा डंगू से होते हुए जाएगा। बैग मुझे दे दिया है पकड़ने के लिए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं डंगू से नीचे तलाई, घूम के भी आएंगे और थोड़ा काम हो जाएगा, संदीप का काम भी कर लेगा। और चिड़िया को मैं घर छोड़ के आई हूँ, उसको खाना पीना सब कुछ दे के आई हूँ। हमारे गैपिंग में तब तक खाना खा लेगी, शाम का टाइम है। तो चलो दोस्तों, आपको डंगू से होते हुए तलाई घुमा के लाते हैं। है तलाई, अच्छा उस गाँव जाएंगे। अब कोई काम नहीं जाएंगे। और ये नीचे साइड को है आपका डंगू। रोड ठीक नहीं है ना, तो इसलिए कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा है। तो इससे आगे रोड फिनिश हो गई है और इससे आगे बाइक तो जाएगी नहीं, तो इससे आगे हम अपने जो मतलब इससे आगे हम पैदल जाने वाले हैं। और यहाँ से हमें जाना है वो सामने देख रहे हैं आप गांव तलाई, वहाँ जाना है। और अब पैदल का ही रास्ता है हमारा सारा, और ऊपर से देख आ रहे हैं पापा। और यहाँ से देखो दोस्तों कितनी खड़ी चट्टान है यहाँ पे, पत्थर, तो बारिश वगैरह में खिसक जाते हैं। और देखो कितना बड़ा पत्थर आके गिरा है वहाँ पे। कहाँ खड़ी कर रहा है बाइक को, तो यहाँ देखो दोस्तों कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। बाप रे, इतना बड़ा पत्थर ये ऊपर से आ रखा है पूरा पहाड़ लेके। नहीं नहीं पत्थर मत फेंको बेटा, पत्थर पत्थर मत फेंको। रुको पापा आ रहे, पापा आ रहे। दोस्तों देखो, जो हमारी लाइटिंग का टैंक बन रहा है ना, उसका भी पत्थर से इसी तरीके से चिनाई करी गई है, बस ऐसी। और इसमें रुक भी जाते हैं पत्थर, पता नहीं कैसे अच्छा लग रहा है दीवार, ऐसी ही ऐसी। यहाँ पे पत्थरों का यूज़ ज़्यादा होता है। पी
पियू कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम कहाँ जा रहे पियू? हम हाँ गुड। पियू बच्चे के क्वेश्चन ना कभी खत्म नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन उसका आ जाता है, फिर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करती रहती हो। कितना खूबसूरत पेड़ है ये ना आम का, बिल्कुल गोल, और इसके नीचे बैठ के वाओ क्या ठंडी हवा आएगी। तो ये जो पेड़ है ना इसके नीचे बहुत ठंडी हवा चलती है। अगर जैसे कहीं से ऊंची जगह से आओ, मतलब कि कहीं से घूमते फिरते आओ, इसके नीचे बैठ जाओ तो बहुत अच्छा रेस्ट करने की पॉइंट है ये, रेस्ट करने का पॉइंट अच्छा है। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नदी भी है और नदी का पानी अभी सूखा हुआ है, अभी बरसात होगी उसके बाद ये पानी फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आराम से चलो। ओहो कितना खड़ा पहाड़ है ये ऊपर से। और यहाँ देखिए पानी, नदी जा रही है नदी, और नदी के ऊपर पुल भी है, उसी पुल पे जाएंगे हम लोग जो सामने पुल दिखाई दे रहा है। भयंकर पुल आ गया, मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ओहो गजब का डर लग रहा है मुझे तो। यहाँ से देख रहे हो दोस्तों पत्थर कैसे काट काट के बना रखा है रास्ता, कितना खतरनाक लग रहा है। बाप रे, वैसे प्राकृतिक भी ना बिल्कुल एक, जितना प्राकृतिक को देखो ना उतना ही ज़्यादा मतलब अलग अलग तजुर्बा होता है इसका, खतरनाक भी लगता है। ये देखो कैसा पहाड़ है भाई ये, तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पता नहीं कितने घने जंगल में मैं आ गई हूँ। पीछे देखो पुल है, फिर इस तरफ भी जंगल, उस तरफ भी जंगल, बहुत डेंजर जंगल है। और पर इधर गांव भी बसे हुए हैं, तो थोड़ी देर में गांव आने वाला है, तब तक चलते रहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है शनि देव का, उधर से आ रही हो नदी होते हुए। थकान लग गई है, पिछली बार मैं आई थी तो इस जगह की वीडियो नहीं बना पाई थी ना, इस बार मैंने उससे कहा कि जहाँ जहाँ जाएगा मुझे भी लेके जाना, पर और दिन तो जाना आना हो नहीं पाया, इसलिए मैं आज के दिन, आज जो है ये हमारी सीसी से पास पड़ता तलाई, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ, चलो घूमना भी हो जाएगा और थकान भी हो गई। अभी वहाँ से हमें जाना होगा, शायद यही रास्ता है, यहीं से जाना है, ये काफ़ी हाइट पर है और बहुत ठंडी हवा चलती है मस्त वाली। Thank you.
तलाई के गेट का बोर्ड आ गया है ग्राम तलाई आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो यहाँ से तलाई स्टार्ट है, तो चलो देखो लोगों ने कितनी अच्छी मिर्ची की खेती कर रखी है। चलो आगे चलते रहते हैं, यहाँ से रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे खेती अच्छी करते हैं लोग, काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है। टमाटर वमाटर के पेड़ लगा रखे हैं। ये है तो दोस्तों देखो यहाँ टमाटर के पेड़ भी लगा रखे काफी अच्छे। यहाँ लोगों की छन्नी है। हाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर को जाना है कहाँ जाना है, क्योंकि एक ही जगह से 500 रास्ते निकल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते में जाऊँ। संदीप ने तो हमें यहाँ पे ला के ऐसे छोड़ दिया जैसे कि हमें सब पता होगा, और तब भी हम घूम रहे हैं। जब तक संदीप का काम खत्म होगा तब तक तो हम केले के पे। हाँ केले के, तो तब तक शायद जब तक हम घूमेंगे तब तक शायद संदीप का काम खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया कि खुद ही ढूंढो रास्ता, खुद ही घूम लो। मेरी कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ ये, हेलो कैसे हो, ये रास्ता काफी ठंडा लग रहा है काफी। खेल रहा है वो तेरे साथ? क्या नाम है इसका? नाम नहीं। कुछ कुछ डर रहा हूँ, डरो मत छोटा बाबू, कितना प्यारा है ना व्यू। देख कचाट देखो, चल अच्छा मंदिर चलते हैं। पूरा मंदिर दोस्तों मंदिर, और मंदिर तक पहुंच ही गए हम, तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। चलो 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 चलो, प्यू तू इतनी कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है ना जैसे उसे रास्ता पता ही होगा, 50 बार आ चुकी होगी। जैसे यहाँ की ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, तलाई में ना खेती अच्छी करते हैं, काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है। मक्के वक्के होने लग गए हैं, बहुत सारे मक्के बो रखे हैं यहाँ। तो कितना सुंदर व्यू है ना यहाँ से, प्यारे प्यारे से घर और बीच में खेती। चल चल चलते हैं, और गांव के बीच में एक सुंदर सा मंदिर, तो चलो मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं। चलो उतार लो स्लीपर, उतार लो। अच्छा एक मंदिर ये भी है, चलो चलो आ जाओ। जय हो भगवान। ये देख लिया मैंने, खेलो 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 भैया के साथ खेलो। हाँ तो दोस्तों वो रहा आपका डंगू, सामने वहीं से आ रहे हैं, वो जो ऊपर रोड कट रही है उससे आ रहे हैं। आके खेलने भी लग गई है बच्चों के साथ, घुल मिल गई इतनी जल्दी और खेलने लग गई है। अभी बजाना। हाँ बेटा आपका नाम क्या है? My name is Kritika Abhis. Oh wow good.
ये रहा माता रानी का मंदिर। पति आती क्या मंदिर? अरे खुल गया। ये चेन लगी है। आया। आप का नाम क्या? कार्तिक भी। यहाँ पे आराम से भी वो देखने की गैप है। हाँ एक जैसा लग रहा है ना गैप है ये। अभी दो और बच्चे हैं यार आज मेरे साथ। यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर और वहाँ पे है गणेश जी का मंदिर। और तीसरा मंदिर आपका कौन सा है यहाँ पर? क्यों उधर मत जाओ बच्चे, माता जी। बाहर दरवाजा खोल के मत जाओ। और यहाँ पर है कृष्ण जी का मंदिर। तो यहाँ पे भी तीन मंदिर हैं। बाकी दोस्तों आपको एक डेंजर चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए जो वो है सोलर पैनल है लाइट का जो है उसके ऊपर सोलर पैनल है धुंधला हो गया। वहाँ पे एक मिट्टी का बना रखा है। ये भी मधुमक्खी ततैया की बड़ी वाली प्रजाति होती है। और सीरियसली दोस्तों ये बहुत डेंजर होते हैं, बहुत ही डेंजर। अगर ये पीछे पड़ गए ना दोस्तों तो पीछा नहीं छोड़ते उनसे। तो मुझे लग रहा है डर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मैंने बहुत किस्से सुने हैं, हमारे गाँव में भी हैं। तो इस वजह से मतलब इनसे काफ़ी डर लगता है, ये पीछे पड़ जाते हैं। और सुनने में आया अगर ये ज़्यादा संख्या में अटैक करेंगे तो इंसान तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो पियू जल्दी आ जाओ बेटा। और यहीं पे ये देखो वो इतनी ऊपर डर लग रहा है। और वैसे होते ही ये ऐसी जगह पर ही हैं, काफ़ी हाइट पर होते हैं ये। अभी संदीप आएगा तो संदीप से पूछूंगी कि क्या बोलते हैं, इनको नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उससे गाँव गाँव मतलब छोटा गाँव है, पर सारे घर जो है एक तरफ है, इकट्ठा है, दूर दूर घर नहीं है। अब पियू के दोस्त चले गए हैं तो बोर हो रही है बेचारी कि क्या करूँ। बैठे बैठे और पर अब संदीप तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है, और उसका ही वेट कर रहे हैं क्योंकि शाम भी हो रही है और सोचे कि शाम से पहले अच्छा वो दिख गया भैया बहुत देर लगा दी यार। तो फाइनली संदीप हमें मिल गया है और अब हम जाएंगे ऊपर से घर की तरफ। दोस्तों आज हमने तलाई खेत घुमा, काफ़ी बेहतरीन जगह थी और बहुत सारे घर भी थे और काफ़ी मतलब जो प्लेस है यहाँ का काफ़ी अच्छा था, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था। और पीहू भी घूमी और पीहू ने भी फ्रेंडशिप करी। तो चलो दोस्तों घर चलते हैं अब और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये तलाई खेत है अच्छा हाँ, तो ये तलाई आपको कैसा लगा। ओके टाटा बाय, टेक केयर। यहाँ ये उड़ने की प्रैक्टिस कर रही है, इसको खाना वाना सब खिला दिया हमने और अब इसकी प्रैक्टिस चालू हो गई उड़ने की। जाओ जाओ बेटा, संदीप बुला रहा उसको। तो कल हमने नेट में बहुत सर्च किया कि ये कौन सी बर्ड है, तो हमें पता चला कि कौन सी स्विफ्ट हाउस स्विफ्ट मतलब कि जो मिट्टी का घोंसला बनाती है घर के अंदर, वो शायद ये अपने घोंसले से गिर गई है इस वजह से ये। मम्मी अभी नीचे पहुंच जाता। ये देखो आज इसकी ट्रेनिंग चालू हो गई है उड़ने की और ये शायद आज पूरे दिन रूम में उड़ती रहेगी। अब थोड़ा बैटरी फील कर रही है ना, तब बस पूरे दिन उड़ रही है और जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर ये तभी उड़ने के लिए तैयार है। और नीचे गिर गई।
क्यों उठा के ऊपर रख दिया बाबू? मैं भी डर लगे पापा गिर गया। और क्योंकि हम इसे प्रॉपर डाइट नहीं दे पा रहे हैं, ये कीड़े बकौड़े ये सब चीज खाती है, बट हम इसे पोहा पानी में भिगा के, रोटी पानी में भिगा के ऐसी चीज दे रहे हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह हम कैसे देना खाने के लिए। उसको उठा के लिया ऊपर, वो कहीं चीजों के अंदर उठ जाएगी। ये देख छुप गई, वो हाँ छुप गई।